हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फाइनली आई एम गोइंग टू माय ड्रीम कॉलेज और आज सुबह की मेरी फ्लाइट है 7 बजे की, तो मुझे जल्दी उठना पड़ा। अभी बज रहे हैं 2:45 को बज रहे हैं, तो 3:15 बजे तक हमारे कैब वाले भी आ जाएंगे, तो वहाँ उनके साथ जाना होगा हमें। ये हापुड़ से दिल्ली दूर है काफ़ी, मतलब एयरपोर्ट जो है यहाँ से तो 1.5 या 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो टाइम हम स्पेयर में लेके चलने हैं। फर्स्ट टाइम है तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो चलते हैं। फिर गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस अभी हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए, 1.5 घंटा लग जाएगा हमें यहाँ से पहुँचने में। कैब में ये मेरी मम्मी है, हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा भाई अंशुल, काफ़ी एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम आई हूँ सिटिंग इन फ्लाइट, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। सुबह के टाइम लेट आई, सॉरी 3 बज रहे हैं, काफी। ये मामी जी मिल चुके हैं हमें वाली, हेलो। ये भी हमारे साथ एयरपोर्ट तक चलनी है सी ऑफ करने के लिए, अब पता नहीं कब मिल रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे, और आजकल तो वीडियो कॉल हो जाता है, कोई ऐसा लगता ही नहीं है। गाइस फाइनली वी रीच द एयरपोर्ट, हमें जाना है गेट नंबर 2 की तरफ। विस्तारा एयरलाइन की हमारी टिकट है, अब देखते हैं गाइस। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहली बार विजिट कर रहा हूँ फ्लाइट में, देखते हैं कैसा होता है। गौतम भाई भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं मेरे पापा और गौतम साथ में जाने वाले हैं। तीनों का सीट नंबर भी मतलब साथ में ही हमारा 21A, B and C। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा बना रहा है। T3 लगी जो डिपार्चर वाले एरिया T3 का, यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, तो अगर आप आओ तो पहले से सावधान रहिए। अराइवल के लिए वॉशरूम है बस यहाँ पर, तो मुझे नीचे आना पड़ा अराइवल पर और फिर वॉशरूम में, काफ़ी टाइम लगा, थक गया मैं, लड़के से जान से निकल गए मेरे, वो बहुत तेज जाना था। गौतम भाई भी आ चुके हैं, हमारी चेकिंग वगैरह सब हो चुकी है यहाँ पे, हम आ चुके हैं अपना, हमारा गेट है 42B, तो चल रहे हैं उसकी तरफ ही, हम इधर की तरफ ही जाना है। ये रहे हमारे पापा जी, शॉप्स वगैरह हैं, तनिष्क का शोरूम भी है, चश्मों की दुकान भी है, पर हम जाएंगे नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव अभी लग रही है। हाँ, पर जॉब लगने के बाद पक्का जाएंगे। मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गाइस। हल्दीराम बीकानेर वाला सब प्रोडक्ट है यहाँ पे, SBI कार्ड। Now guys, we are waiting for boarding, in the queue of boarding. शायद बस से जाना पड़ेगा हमें वहाँ तक, प्लेन तक, तो इसलिए यहाँ पे बस से ही स्टार्ट कर दिए इन्होंने, काफ़ी टाइम लग रहा है, बहुत लंबी लाइन है। गाइस देख सकते हैं आप कितनी लंबी क्यू लगी हुई है यहाँ पे, 42B अपना गेट है।
We have to sit in bus to reach our flight, guys. It is fully occupied. Guys, finally हमारा बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है. फ्लाइट के अंदर जाने वाले हैं. जब छोटे छोटे से थे यही सोचते थे एस्ट्रोनॉट तो नहीं बनता है पर ट्रैवल तो कर ही सकते हैं. फाइनली हम अंदर जाएंगे. आई एम रियली रियली एक्साइटेड. देखते हैं कैसा होता है. अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा, फिल्म में देखा, बट फाइनली इट इज गोइंग टू बी ट्रू नाउ. दे आर चेकिंग आवर टिकट्स. Clear of the flight. So first time. लगेज एरिया इन द फ्लाइट फॉर द केबिन बैग यू विल बी टेकिंग इन दिस. दिस आर द बिजनेस क्लास सीट गाइस. दिस आर इकोनॉमिक क्लास गाइस. फाइनली मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पर और मेरी किस्मत के हिसाब से एकदम बढ़िया सीट है. विंडो सीट. मस्त ब्लॉग बनाने में मजा आएगा. देखिए मैं आपको इसका एक्सटीरियर वो दिखाता हूँ. यहाँ पे एलईडी स्क्रीन दी हुई है हर स्क्रीन के मतलब हर सीट के सामने. देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह. गौतम भाई ने मूवी चला लिया एक्वामैन. एक्वामैन काफी अच्छा इंटरनेट आ रहा है यहाँ पे. पप जी यहाँ बैठे हुए हैं. एचडी प्रिंट चलानी है. बाहर का दिखाता हूँ. पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है. मैंने मैप पे लगा दिया था. कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे 50 मिनट. कोई भी मूवी देख सकते हैं. देखो ये पूरा टच स्क्रीन है. ये सेंसिटिविटी मोबाइल से थोड़ी सी कम है पर ठीक है. लेकिन गाइस प्लेन की जो सफर है वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा ऐसा कंजेस्टेड सा लगा. स्टार्ट हो चुके गाइस हमारी फ्लाइट. यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है इनका. समझा रहे हैं सारी चीज. सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप इत्यादि टैक्सी उड़ान भरने और उतरते समय कुर्सी की जेब में रखें. हम आपको याद दिलाना चाहेंगे गाइस हमारा प्लेन चलना शुरू हो गया है. स्लो स्लो चल रहा है. शायद रनवे पे लेके जा रहे हैं इसको. Now it starts accelerating. Yeah, as expected. उड़ गए. नीचे का व्यू. आज मैं ऊपर आसमान नीचे. पूरी दिल्ली हमारे नीचे इस टाइम. तो लग रहा है जैसे सैटेलाइट से देखते हैं ना. तो अब अपनी आंखों से देख रहे हैं नीचे का सब कुछ. जो कि बिल्डिंग्स कितनी छोटी छोटी दिख रही है. ये देखिए स्पीड आ गया. स्पीड तेज हो गई यहाँ. ये देखेगा इस बिल्कुल ग्राउंड लेवल की विजिबिलिटी कम हो गई है यहाँ पर. तो टेक ऑफ वगैरह सब हो गया गाइस. आई एम फीलिंग रियली रियली स्लीपिंग क्योंकि रात में सिर्फ 2 घंटे सोया था. 12 बजे 2 बजे सो गया. नॉलेज सीट के सामने वाली जो अपोजिट स्क्रीन है उस पर मैप भी है तो उसमें साफ दिख रहा है जो अपना प्लेन है वो कहाँ पहुँच चुका है. जैसे ये यहाँ पे कोटा से भी दूर है इसलिए इसका रूट है मूवेबल है. पूरा काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है इस फ्लाइट गाइस. यहाँ पे हमें फ्लाइट में ब्रेकफास्ट मील मिल गया. एक बन है अमूल बटर स्पून वगैरह वाटर बॉटल. ये देखते हैं इसमें क्या है. काफ़ी गर्म गर्म है. वेज बिरयानी. क्या है ये हलवा बिरयानी है क्या. हलवा को टाइप क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब दे दिया मतलब थोड़ा बहुत.
क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा में नहीं लिया है, इसी फ्लाइट टिकट नहीं है हमारे जो भी है। तो खाते हैं फिर टेस्ट बताता हूँ उसको कैसा लगा। ब्रेकफास्ट मील काफ़ी बढ़िया लगेगा इस, मतलब लिमिटेड क्वान्टिटी में था लेकिन बढ़िया था, टेस्ट अच्छा था। बादलों के ऊपर है इस टाइम में, गौतम भाई बिल्कुल सही गाना गा रहे हैं। आज मैं ऊपर गाइस हम लैंड कर चुके हैं चेन्नई में। अभी ये चेन्नई एयरपोर्ट ही है, अच्छा बना हुआ ये भी, टॉयलेट। अभी हमें हमारा लगेज लेना है, लगेज क्लेम शायद उधर होगा, लगेज क्लेम होगा ना। हाँ गाइस यहाँ पे हमारा मतलब लगेज आ रहा था हर किसी का, पैसेंजर का जो उस प्लेन में था, ये हमने ले लिया अपना लगेज, ये 3 bags मिल गया, गौतम भाई ने भी ले लिया अपना। चलते हैं फिर कैब वैब देखते हैं बाहर क्या हिसाब है, कॉलेज चलते हैं फाइनली अपने ड्रीम कॉलेज IITM। गाइस हम चेन्नई पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट में तो अच्छा टेम्परेचर था लेकिन बाहर आते तो इतनी ह्यूमिडिटी और गर्मी है, तो अपना उधर साइड इतनी ठंड होती है, ज़बरदस्त गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है। देखते हैं IITM का कैसा टेम्परेचर है, हालत ख़राब हो गया अभी सही हमारी तो चेन्नई लोकल रोड्स। फाइनली वी रीच IIT। यो बच्चे, तुमने मुझे पहचाना नहीं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बच्चे देखो।